हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 4.3 में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। यहाँ पर हमें ग्राफ बना के दिखाना है, समीकरण हमें दिए हुए हैं, एक्स और वाई के हम मान निकालेंगे और फिर ग्राफ में उसको दर्शाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक पार्ट इसका ग्राफ करके दिखा देता हूँ, बाकी पार्ट हम रफली करेंगे। पेपर में आपको सभी पार्ट्स को ग्राफ से ही करके दिखाना है। पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा और आपको सवाल को आलेख है जो उसको ग्राफ पेपर पे ही बनाना है। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पार्ट इसका ग्राफ के ऊपर करके आपको दिखा देता हूँ। पहला पार्ट करते हैं, एक्स जमा वाई बराबर 4। एक्स जमा वाई बराबर है 4। यहाँ से आप एक्स का मान कुछ भी लेंगे और वाई का मान निकालेंगे, या वाई का मान आप जो चाहे ले सकते हैं और एक्स का मान निकाल सकते हैं। हमने मान लो शुरू में ले लिया एक्स का मान 0। एक्स का मान 0 इसके अंदर रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास वाई का मान आ जाएगा 0 जमा वाई बराबर 4। हमारा वाई आ जाएगा 4। तो बिंदु हमारे हो जाएंगे, बिंदु का नाम दे दिया पी। बिंदु पी हो जाएगा 0.4। एक्स का मान 0, वाई का मान 4। इसी प्रकार हम एक बिंदु और निकालते हैं। एक्स का मान लिया हमने 1। एक्स का मान यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 जमा वाई बराबर 4। यहाँ से वाई हमारे पास आ जाएगा 4 घटा 1 3। तो बिंदु हो जाएगा, नाम दे दिया हमने क्यू, 1 और 3। तो आप इस प्रकार से 2 या 3 बिंदु निकाल सकते हैं। कम से कम 2 बिंदु हमें चाहिए किसी भी समीकरण का आलेख खींचने के लिए, कम से कम 2 बिंदु। यहाँ पर आप x का मान या y का मान जो आपका मन करे वो ले सकते हैं। तो ऐसे मान लीजिए ताकि मान है वो ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे मान लेने की कोशिश कीजिए। तो हमने यहाँ पर x का मान 0 और y का मान 1 लेकर के वाई के मान निकाल लिए। हमारे पास 2 बिंदु आ गए, पी और क्यू। अब इन बिंदुओं को हम आलेख के ऊपर, ग्राफ के ऊपर दर्शाएंगे। इस तरह से आपको एग्जाम के अंदर ये पेपर मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ पहले। ये हमारा है एक्स, एक वर्टिकल लाइन लेंगे, खड़ी लाइन, इसको हमने मान लिया वाई। ये एक्स एक्स है, एक वाई एक्सिस है। जहाँ पर ये दोनों आपस में काटेंगे, ये बिंदु, ये हमारा हुआ सेंटर ओ, केंद्र, इसको हमने ओ मान लिया। और केंद्र के जो निर्देशांक होते हैं वे आएंगे 0 और 0। अब इस साइड में, राइट साइड में एक्स की वैल्यूज, एक्स के जो मान हैं वो आएंगे धनात्मक मान 1 2 3 4 5, इस तरह से। लेफ्ट साइड के अंदर जो एक्स के मान आएंगे वो आएंगे नेगेटिव, ऋणात्मक, घटा वाले। इसी प्रकार वाई के जो धनात्मक मान है वो आएंगे ऊपर की तरफ, और जो वाई के ऋणात्मक मान है, घटा वाले, नेगेटिव नंबर्स हैं, वो आएंगे नीचे की तरफ। तो हमारा जो बिंदु था उसमें हम देखते हैं 0 और 4 है। यहाँ पर एक्स का जो मान है वो 0 है और 1 है, दोनों ही मान धनात्मक है। तो हम सिर्फ धनात्मक ही लिखेंगे, ऋणात्मक मानों को, नेगेटिव नंबर्स को नहीं दर्शाएंगे। तो हमने इस तरफ ये बिंदु 1 और ये हमने ले लिया 2। अब वाई के मान देखेंगे हमारे पास क्या है। वाई के मान हमारे पास है 4 और 3, दोनों ही मान धनात्मक हैं। तो हम ऊपर की तरफ लेंगे 1 2 3 और ये 4, इस तरह से। अब हम यहाँ पर देखेंगे, पहला बिंदु था हमारे पास 0 और 4, एक्स का मान 0 और वाई का मान 4। तो हमारा पहला बिंदु था 0 और 4, एक्स का मान 0 यहाँ पर है और वाई का मान 4 है यहाँ पर। तो बिंदु आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, इसको हम नाम देंगे पी। ये हमारा हो जाएगा पी बिंदु हो जाएंगे। इसी प्रकार हम लेंगे दूसरा, दूसरा बिंदु हमारे पास क्यू था। क्यू का मान है 1 और 3, एक्स का मान 1, वाई का मान 3। एक्स का मान 1 यहाँ पर होगा और वाई का मान 3 यहाँ पर होगा। तो इस तरह से ये 1 और ये 3, यानी ये बिंदु आएगा हमारे पास
एक्स का मान एक और वाई का मान तीन। ये बिंदु हमारा हो जाएगा क्यू एक और तीन। फिर हम इन दोनों को मिलाकर के आगे बढ़ा देंगे। इस तरह से हमारी लाइन आएगी इसको आप चाहे थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो। x जमा y बराबर चार इस समीकरण का ये आलेख हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने इन सवालों को ग्राफ के ऊपर करना है। बाकी के सवाल अब हम करेंगे रफली बिना ग्राफ के। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ग्राफ के ऊपर हमें किस तरह से आलेख को खींचना है। इसका दूसरा पार्ट लेते हैं x घटा वाई बराबर दो सेकेंड पार्ट। यहां पर हम x का मान लेंगे। आप मैंने बताया था x और y के मान कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना आपको कि कौन सा मान लें। जो मान आपको उचित लगे वह मान आप ले सकते हैं। x का मान हम लेते हैं यहाँ पर जीरो। तो x का मान जीरो, x का जो वैल्यू है यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास आएगा जीरो घटा वाई बराबर दो। और यहाँ से हमारे पास घटा वाई बराबर दो, या ये कह सकते हैं कि वाई बराबर माइनस दो। तो हमारे पास बिंदु हो जाएगा पी जीरो और माइनस के दो। अब हम लेंगे एक्स का मान, एक ले सकते हैं दो ले सकते हैं। चलो दो ले लेते हैं एक्स का मान, यहाँ पे दो रखेंगे, दो घटा वाई बराबर दो। यहाँ से हमारे पास घटा वाई बराबर जीरो, दो घटा दो जीरो, और यहाँ से वाई भी हो जाएगा हमारे पास जीरो। तो हमारे पास जो दूसरा बिंदु है क्यू वो आ जाएगा दो और जीरो। तो हमने दो बिंदु निकाल लिए। अब इसको आलेख पे दर्शाएंगे। हमने लाइन खींच ली एक्स वाई और ये वाई की, यहाँ पर हमारा केंद्र है जीरो जीरो। अब देखिए एक्स के जो मान है वो है जीरो और दो, दोनों ही मान धनात्मक हैं, इस तरफ आएंगे। ये मान लिया हमने एक और ये दो। वाई के जो मान है वो दो मान है, माइनस दो और जीरो। तो वाई का एक मान तो है ऋणात्मक, तो कहाँ आएगा नीचे की तरफ, ये माइनस एक माइनस दो, जीरो यहाँ पे हो जाएगा। अब हम इसका आलेख खींचेंगे। पहला बिंदु है P, जीरो माइनस दो, एक्स का मान जीरो यहाँ पर होगा और वाई का मान माइनस दो वो कहाँ पे होगा यहाँ पर। तो हमारे पास आएगा ये बिंदु। दूसरा देखते हैं बिंदु Q, एक्स का मान दो और वाई का मान जीरो। एक्स का मान दो कहाँ होगा, एक्स का मान दो ये, और वाई का मान जीरो, वाई का मान जीरो होगा यहाँ पर। यानी कि हम ये कह सकते हैं हमारे पास बिंदु ये आएगा, क्योंकि एक्स एक्स के ऊपर हर जगह वाई का मान जीरो होगा और इस वाई वाली लाइन के ऊपर हर जगह एक्स का मान जीरो होगा। तो हमारा एक्स बराबर दो, एक्स का मान दो यहाँ पर है और वाई जीरो इस प्रत्येक लाइन के ऊपर, और वाई बराबर जीरो इस पूरी लाइन के ऊपर ही y बराबर जीरो होगा। यानी x वाली लाइन के ऊपर y का मान हर जगह जीरो होगा। तो ये बिंदु हो जाएगा जहाँ पर x का मान दो है और y का मान जीरो है। इसको हमने मान लिया q, दो जीरो, ये हमारा बिंदु था p, जीरो माइनस दो। हमारे पास दो बिंदु आ गए। कम से कम दो बिंदु हमें चाहिए कोई भी आलेख खींचने के लिए। तो इस तरह से हम इसको खींच देंगे। तो ये हमारा जो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर दो इस समीकरण का आलेख। अगला पार्ट करते हैं y बराबर तीन एक्स। तो यहाँ पर आप चाहे x का मान लो चाहे y का मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मन करे आपका मान ले सकते हो। हम x का मान लेके चलते हैं जीरो। x का मान जीरो यहाँ रखेंगे तो y हमारे पास आएगा तीन गुना जीरो जीरो। यानी हमारे पास एक बिंदु आ गया जिसको नाम दे दिया पी जीरो जीरो। फिर हम एक्स का मान ले लेते हैं एक। एक्स का मान एक यहाँ पे रखेंगे तो वाई का मान हो जाएगा तीन गुणा एक तीन। और बिंदु हमारे पास हो जाएगा क्यू एक और तीन। तो दो बिंदु हमारे पास आ चुके हैं। दो बिंदु आने के बाद हम आराम से आलेख खींच सकते हैं। एक्स का मान हमारे पास है जीरो और एक। तो
तो x का मान जीरो यहाँ होगा और एक हमने ये मान लिया। y के हमारे पास मान है जीरो और तीन, दोनों मान धनात्मक ऊपर की तरफ आएंगे, एक दो और ये तीन। पहला बिंदु ढूंढेंगे, x भी जीरो y भी जीरो। मैंने कहा था कि x और y दोनों जीरो कहाँ होते हैं, जहाँ पर दोनों लाइनें आपस में क्रॉस करती, इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं। तो ये बिंदु हो जाएगा जीरो जीरो। फिर x का मान एक, y का मान तीन। x का मान एक यहाँ पर है और y का मान तीन यहाँ पर है, तो ये आपके पास जा कर के मिलेगा यहाँ पर, ये बिंदु हो जाएगा आपके पास Q, एक और तीन। ये बिंदु आपके पास होगा, इसको नाम देंगे हम P, जीरो और जीरो। दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये हमारे पास इस समीकरण का आलेख हो जाएगा इस तरह से, y बराबर तीन एक्स। चौथा पार्ट है तीन बराबर दो एक्स जमा वाई, बिल्कुल उन्हीं पार्ट की तरह है। इसको भी हम करते हैं बड़े आसान तरीके से। तो यहाँ पर आप पहले x का मान ले लीजिए जीरो, हमने x का मान लिया जीरो। x का मान जीरो इस समीकरण में रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास तीन बराबर दो गुणा जीरो जमा वाई, यहाँ से हमारे पास y का मान आ जाएगा तीन। ये हो जाएगा तीन बराबर दो गुणा जीरो जीरो जमा वाई, वाई बराबर तीन। तो हमारे पास जो पहला बिंदु है जिसको हमने नाम दिया है P, वो हो जाएगा जीरो और तीन। अब हम x का मान ले लेते हैं यहाँ पर एक, x का मान एक यहाँ रखेंगे समीकरण में, तीन बराबर दो गुणा एक जमा वाई, यहाँ से हमारे पास y का मान हो जाएगा तीन घटा दो एक। तो बिंदु हमारे पास क्यों आ जाएगा, x का मान क्या लिया था एक, y का मान कितना आया एक, तो बिंदु हो जाएगा एक एक। आलेख खींचेंगे यहाँ पर, x का मान लेंगे हम, x के हमारे पास दो मान है जीरो और एक, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, यहाँ हमने ले लिया एक। फिर y का मान है तीन और एक, दोनों धनात्मक ऊपर की तरफ आएंगे, ये एक ये दो और ये तीन, एक दो और तीन। अब दर्शाएंगे हम, पहला बिंदु P है जीरो तीन, x का मान जीरो यहाँ पर होगा और y का मान तीन यहाँ पर होगा, तो ये बिंदु हमारे पास आ जाएगा, इसको हमने नाम दे रखा है P, जीरो तीन। फिर x का मान एक है और y का मान भी एक है, x का मान एक यहाँ पर होगा और y का मान एक यहाँ पर होगा, तो ये दोनों मिलेंगे बढ़ाने पर यहाँ पर, तो ये बिंदु हमारे पास आ जाएगा Q, एक और एक। इन दोनों को मिला के आगे बढ़ा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा आलेख इस चौथे पार्ट के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये जो लाइन है, जो रेखा है, ये हो जाएगी तीन बराबर दो एक्स जमा वाई इस समीकरण के लिए। तो बिल्कुल ये आसान पार्ट है, बिल्कुल आसान तरीके से इसको हमने और सॉल्व किया है। मुझे लगता है कि अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और आप किसी भी समीकरण का आलेख या ग्राफ बिल्कुल आसानी से दर्शा सकते हैं। प्रश्न संख्या दो है, बिंदु दो चौदह से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, इस प्रकार की अन्य कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो इस सवाल को बड़े ध्यान से समझना, आपने रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल भी समझना है बस कि दो और चौदह से होकर जाने वाली हमें रेखाओं के समीकरण लिखने हैं। तो हम शुरू करते हैं एक्स जमा वाई। अब आप कहोगे एक्स जमा वाई ये क्या है, भैया हमारे पास ये हमें समीकरण लिखना है इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाओं का, हमारे पास दो बिंदु हैं, तो ये मान के चलो कि ये x है और ये क्या है y, तो हमें दो चर लेने पड़ेंगे। तो हमने एक बहुपद लिख दिया x जमा वाई। अब यहाँ पर आप x का मान रख दो 2 और y का मान रख दो 14, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 जमा वाई का मान है 14, ये हो जाएगा 16। तो x जमा वाई बराबर 16, यही आपका एक समीकरण बन जाएगा जो इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का है। आगे और लेते हैं, अब आप ले लीजिए यहाँ पर x जमा दो वाई, जो आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। आपने ध्यान ये रखना है कि आपको जो बहुपद लिखना है वो x और y दो चर के अंदर हो, तो वहाँ पर आप x जमा वाई लिख सकते हो, x जमा दो वाई लिख सकते हो, 2x जमा वाई ले सकते हो, x जमा 4y ले सकते हो, कुछ भी
जो आपका मन करे। तो यहाँ पर कोई रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है कि आप कोई भी बहुपद एक्स और वाई के अंदर दो चर में ले सकते हो। तो हमने लिया है एक्स जमा दो वाई। अब यहाँ पर आप एक्स का मान रखिए दो जमा दो गुणा वाई का मान है 14, ये आ जाएगा 2 जमा 28, ये हो जाएगा एक्स जमा दो वाई बराबर 30। एक आपके पास देखा ये हो जाएगी, एक समीकरण ये बन जाएगा आपके पास। तो आप यहाँ इस प्रकार से आप x और y में लिखते चलिए, और x और y के जो मान 2, 14 दे रखे हैं वो रखते चलिए, हमारे पास एक नहीं अनेकों समीकरण बन जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की अनगिनत रेखाएं हो सकती हैं। अब आपको उत्तर से कन्फ्यूज नहीं होना कि मैथ के पीछे उत्तर कुछ दे रखा है, नहीं, असंख्य से जब रेखाएँ या समीकरण हो सकते हैं तो फिर जरूरी नहीं है कि दो ही मिले आपको। तो उत्तर में कुछ भी दिया हो, आप अपने पास से कितनी भी असंख्य समीकरण यहाँ पर बना सकते हैं एक्स और वाई के मान रख करके। आपने ध्यान सिर्फ ये रखना है कि एक्स का मान 2 लेना है और वाई का मान 14 लेना है, और कुछ भी आप समीकरण बना सकते हैं। हम एक और कर लेते हैं, चलो इसके 2 के अलावा एक तीसरा और समीकरण बना लेते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं 2x जमा वाई। तो यहाँ पर मान रखेंगे एक्स का मान है 2, वाई का मान है 14, ये आ जाएगा 4 जमा 14 18। तो हमारे पास 2x जमा वाई बराबर हो जाएगा 18, एक समीकरण ये बन गया। तो इस प्रकार से बच्चों आप अनेकों समीकरण बना सकते हो। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर इस प्रकार की अनगिनत असंख्य रेखाएं हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? क्योंकि हम x और y के अंदर अनेकों बहुपद लिख सकते हैं, और जितने आप लिखेंगे x और y के अंदर दो चर के अंदर बहुपद, तो उतने ही आपके पास रेखाएं आती चली जाएंगी, उतनी रेखाओं के समीकरण बनते चले जाएंगे। प्रश्न संख्या 3 है, यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर ax जमा 7 के आलेख पर यानी उसके ग्राफ के ऊपर स्थित हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के प्रश्न ही अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमें इसको बिल्कुल ध्यान से करना है, बट्टा नहीं मारना है बिल्कुल भी। अब ये कहा कि ये बिंदु है ये समीकरण के आलेख पर है, इसका मतलब ये है कि ये जो बिंदु है अगर हम इससे समीकरण को लेकर के आलेख खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ की जो रेखा आएगी हमारे पास, जो लाइन आएगी, उस लाइन के ऊपर ये बिंदु है 3 और 4। तो हमें पता है कि जो बिंदु लाइन के ऊपर आता है तो वो बिंदु उस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी कि इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब संतुष्ट करने का मतलब क्या है? संतुष्ट का मतलब ये है कि हम इसके अंदर x का मान 3 और y का मान 4 रखेंगे तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, यानी कि इसके दोनों पक्ष, दायां पक्ष और बायां पक्ष, आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो ये होता है समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब। तो यहाँ पर ये जब इसके आलेख के ऊपर है तो ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ये जो मान है इसके अंदर समीकरण के अंदर रखेंगे, समीकरण हमारा है 3y बराबर ax जमा 7। तो यहाँ पर x का मान रखेंगे 3 और y का मान 4, 3 गुणा वाई हमारा है 4 बराबर a, x हमारा है 3 जमा 7, इसको हल करेंगे 12 बराबर 3a जमा 7, और यहाँ से हमारे पास 3a बराबर हो जाएगा 12 घटा 7 बराबर 5, यहाँ से a का मान आ जाएगा 5/3, और यही हमें इसके अंदर निकालना था।